सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं अभी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ही हूँ और पिछले लॉट का जो लिफ्टिंग हुई उसकी डिटेल भी मैं अभी तक नहीं आपको दे पाया था, तो वो सारा डिटेल मैं लिख करके आपको समझा देता हूँ कि जो पिछला लॉट था थोड़ा सा हर बार 4500-4600 बर्ड हमारे फार्म में शिफ्ट होते थे, जो 5000 कैपेसिटी का जो शेड है घर पे, तो इस बार 5098 बर्ड टोटल शिफ्ट हुआ था और लिफ्टिंग हुई थी 4835 बर्ड की और मोर्टेलिटी हो गई थी 263 बर्ड और टोटल जो फीड लगा हुआ है 299 बैग। एक बैग इनका 60 केजी का होता है, तो उस हिसाब से 299 × 60 कर देंगे तो 17940 केजी ये फीड का क्वांटिटी आ गया और जो टोटल माल निकला था मीट वो 10678 किलो, मतलब 10 टन 678 केजी और ये 36 दिन में टोटल लिफ्ट हुआ था। इस बार थोड़ा सा एवरेज बॉडी वेट जो आया वो बहुत ही कम आया, मान के चलिए कि 36 दिन में इससे अच्छा होना चाहिए था, करीब 2400 प्लस होना चाहिए था, लेकिन 2200 ग्राम आया। उसका कारण था कि बहुत ही ज़्यादा मौसम इस बार गंदा हो गया था, बारिश हो रही थी, धूप नहीं आ रही थी और ठंड भी तगड़ी थी, तो पर्दे वगैरह खुल नहीं पा रहे थे, वेंटिलेशन हो नहीं पा रहा था, लीटर काफ़ी गीला हो गया था और रैकिंग भी नहीं हो पा रही थी। तो आपको पता ही है कि अगर लीटर खराब हुआ, लीटर मैनेजमेंट खराब हुआ तो वेट जाहिर सी बात है कि वो रुक जाता है, उतना अच्छे से जो है गेन नहीं हो पाता। तो FCR इस बार का ठीक ठाक ही रहा, 1.68 आया, मतलब कि 1680 ग्राम खा करके बर्ड 1 केजी का वेट दिया है और फीड कॉस्ट इस हिसाब से अगर 1680 ग्राम में इंटू कर देंगे 40 का तो ये 67.20 रुपये आ जाएगा आपका फीड कॉस्ट और चिक्स कॉस्ट आ गई है 14.32 रुपये और प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी 81.52 रुपये। तो 67 और 14 को आप ऐड कर देंगे तो 81.52 रुपये और स्टैंडर्ड जो कंपनी की कॉस्टिंग है 82.71, तो उससे हमारा 1.19 रुपये कम आया है, तो 8 रुपये कमीशन है टोटल, तो 8 रुपये का 8 रुपये कमीशन है अगर स्टैंडर्ड आता है FCR, तो 1.19 रुपये कम आया है कंपनी से, तो उसका आधा हमें मतलब कि 60 पैसे हमारे कमीशन में और जुड़ जाएगा, 8 रुपये 60 पैसे लगभग। अभी और प्लस हो सकता है क्योंकि मेडिसिन कुछ भी ली नहीं गई है, थोड़ा बहुत ली गई है, तो ये करीब हमको लगता है कि 9 रुपये तक चला जाएगा, लेकिन मैं 8 रुपये 60 पैसे के हिसाब से ही निकालता हूँ। तो 10678 को जो टोटल माल है इसमें इंटू कर देंगे 8 रुपये 60 पैसे का तो 91830 रुपये ये हो जाता है हमारा ग्रैंड कमीशन। और जो लॉट का रनिंग खर्च आप मान के चलिए कि एक लेबर है उस वाले फार्म पे 5000 वाले पे, तो 9000 उसका है पर लॉट का, मतलब कि एक शिफ्ट आएगी और कंप्लीट होगी तो पर शिफ्ट की वजह से पर शिफ्ट के हिसाब से वो रखा गया है, चाहे वो 40 दिन का लॉट चले, चाहे 50 दिन का, चाहे 30 दिन का, तो 9000 रुपये उसका हो जाता है और 5000 रुपये की जो चावल का छिलका है लीटर 52 वो हो जाता है और 1500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी, तो मान के चलिए कि 15000-16000 रुपये एक रनिंग खर्च हो जाता है एक लॉट का, तो इस हिसाब से हमारा 91830 रुपये बन रहा है और ठीक ही ठाक रहा, बहुत ख़राब नहीं गया। हमने तो इस बार लग रहा था कि काफ़ी ख़राब जाएगा लेकिन ना सही रहा। तो इस बार अब जो बड़े वाला फार्म है तो वहाँ पे भी जो 8000 बर्ड जहाँ शिफ्ट होता है तो वो वहाँ पे भी एक बर्ड आ चुका है कल ही रात में। जो 5000 वाला फार्म है उसमें अब हमको लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, फरवरी में 5 से 10 फरवरी के बीच में शिफ्ट करवाएंगे और तब जा करके आगे जो होली है 18 मार्च को उसके पहले पहले तैयार हो जाए तो अच्छी डिमांड रहे और सेल होने में अच्छी से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ का काम आज लगभग फाइनल हो जाएगा, सीमेंटेड शीट चढ़ाने का इस तरफ का हो चुका है, उस तरफ का भी एक लाइन कंप्लीट हो चुका है, बस एक लाइन आनी बाकी है 8 फीटी वाले का, तो कंप्लीट हो जाए तो सारा डिटेल मैं यहाँ का भी दूंगा आपको। तो चैनल पे जो भाई नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं बना सकूं, आपको
आप तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।